कोरोना के नए JN.1 वेरिएंट ने बेहद तेजी से अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। भारत में इस वेरिएंट के अब तक 21 मरीज सामने आए हैं, लेकिन सिर्फ भारत ही नहीं, अमेरिका, ब्रिटेन और चीन तक ये वेरिएंट लोगों को बीमार करता जा रहा है। भारत से पहले कोरोना का नया वेरिएंट JN.1 अब तक 40 देशों में फैल चुका है। अगर ये बेकाबू हुआ तो दुनिया भर में 2020, 2021 और 2022 जैसी तबाही मचा सकता है। 7 महीने में कोरोना के सबसे ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं। सबसे ज्यादा असर केरल पर है, जहां कोरोना के 88% एक्टिव केस हैं। बड़ी खबर आपको बताया, लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक चल रही है। इसमें पीएम मोदी भी शामिल है। बीजेपी दफ्तर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जेपी नड्डा ने स्वागत किया। ये बैठक 2 दिनों तक चलने वाली है, आज और कल। ये 2 दिन की बैठक है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद शिरकत कर रहे हैं और तमाम राज्यों के जो महासचिव है उन्हें बुलाया गया है। लोकसभा में किस तरह से रणनीति बनाकर आगे बढ़े बीजेपी, इसी को लेकर ये उच्च स्तरीय बैठक है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर पहुंचे तो जेपी नड्डा ने उनका स्वागत किया। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। जश्न मनाने की तरफ बढ़ रही है, तब कोरोना का नया वेरिएंट तबाही मचाना चाहता है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने नए केस को लेकर समीक्षा की है। उन्होंने राज्यों से कहा है कि अलर्ट हो जाएं, क्योंकि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। भारत में लगातार बढ़ रहे कोरोना के केस साबित करते हैं कि कोरोना लौट रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने लोगों से एहतियात बरतने के लिए कहा है। हालांकि लोगों के मन में कुछ सवाल है। लोग जानना चाहते हैं कि नया वेरिएंट कितना खतरनाक है, JN.1 में क्या लक्षण दिखते हैं। कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे को देखकर राज्यों के अस्पताल अलर्ट हैं। वो इसलिए क्योंकि 2020 के बाद दुनिया ने इससे सबसे बड़ी तबाही देखी। दुनिया ने लाखों मौत देखी, एशिया से लेकर यूरोप और अमेरिका तक चरमराते हुए अस्पताल देखे, लॉकडाउन देखा और अरबों का कारोबार ठप होते देखा, नौकरियां जाती देखी, लोगों की जिंदगी तबाह होती देखी। ये सब एक वायरस ने किया और अब 2024 की शुरुआत भी इसी वायरस से हो रही है। केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक और झारखंड, इन राज्यों में रोजाना आने वाले मामलों में तेजी से बढ़त आ रही है। यही कारण है कि केंद्र सरकार ने इन राज्यों को खास तौर पर चौकन्ना रहने को कहा है। 2019 से लेकर अब तक कोरोना वायरस लगातार अपना रूप बदल रहा है, बार बार उसके नए वेरियंट सामने आ रहे हैं। JN.1 वेरिएंट भी एक नया वेरिएंट है जो ओमिक्रॉन स्ट्रेन से निकला है। JN.1 वेरिएंट का पहला मरीज यूरोप के देश लग्जमबर्ग में मिला था। वहां से फैलते फैलते सितंबर में JN.1 वेरिएंट अमेरिका पहुंचा। 3 महीने में वहां हाल ये हो गया है कि JN.1 अमेरिका में कोरोना का सबसे तेजी से फैलने वाला वेरिएंट बन गया है। We need to be cautious, but not panicky. We don't need to worry because we don't have any data to suggest that this variant JN.1 is more severe or it's going to cause more pneumonia or more death. ऐसा कोई data नहीं है। So कोरोना के लिए वैक्सीन तो बना ली गई, लेकिन ये वायरस पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। दुनिया को इस वायरस के साथ जीना पड़ रहा है। वक्त वक्त पर इसके नए वेरिएंट आते जा रहे हैं और तबाही का खतरा बढ़ने लगा है। And of course, COVID-19 is something that we are concerned about because this virus is circulating, it's evolving, it's causing severe infection, and it's causing deaths among many who aren't vaccinated or who have underlying conditions. कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 को लेकर जो खबरें सामने आ रही हैं, वह बेहद चौंकाने वाली हैं। विशेषज्ञों ने लोगों से फिर से चेहरे पर मास्क लगाने और भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से बचने की सलाह दी है। हालांकि आने वाले दिनों में 25 दिसंबर यानी क्रिसमस और 1 जनवरी को लोग नए साल के जश्न में डूबने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि आगे कोरोना की वजह से हालात बिगड़ भी सकती है।
अमेरिका की स्वास्थ्य एजेंसी ने बताया कि वहां जितने कोरोना मरीज हैं उनमें 15 से 29 प्रतिशत को बीमार करने वाला यही JN.1 वेरिएंट है। अमेरिका के साथ चीन और ब्रिटेन में भी JN.1 वेरिएंट ने लोगों को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। हालांकि WHO ने साफ किया है कि घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि मौजूदा वैक्सीन JN.1 वेरिएंट के खिलाफ कारगर है। लेकिन फिक्र तो है और घबराहट भी है। दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां कोरोना ने पैर न पसारे हों। नया साल करीब आते ही कोरोना ने फिर सिर उठा लिया है। ठीक ऐसे ही हालात 2019 के दिसंबर में थे। साल बदल रहा था, 2020 की शुरुआत हो रही थी। तब भारत तो नहीं लेकिन चीन के बाद कोरोना यूरोप समेत कई और देशों में फैलने लगा था। मार्च और अप्रैल आते आते यूरोप में इतनी मौत होने लगी कि कब्रिस्तान कम पड़ गए। दुनिया में बढ़ रहे केस के मुकाबले भारत में नए केस काफी कम है लेकिन पिछले दो हफ्तों में नए केस तेजी से बढ़े हैं। सबका फोकस इस वक्त केरल पर है, कर्नाटक पर है, राजस्थान पर है, लेकिन कई और सूबे हैं जहां की रिपोर्ट अब धीरे धीरे चिंता में डाल सकती है। 2021 में उत्तर भारत में कोरोना से बड़ी तबाही हुई थी। दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र और गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तक हालात बहुत ज्यादा खराब थे। कोरोना को रोकने के लिए बड़ी तैयारी की गई लेकिन जिस वायरस ने पूरी दुनिया को निगल लिया उसने भारत में भी असर दिखाया। अब उसका नया वेरिएंट JN.1 क्या करेगा, क्या ये और फैलेगा या इस पर काबू पाना आसान हो जाएगा, यही सबसे बड़ा सवाल है। कोविड को लेकर कोई चिंताजनक स्थिति नहीं है, पूरी समीक्षा हुई है। उत्तर प्रदेश राज्य में कल कुल 5 मरीज थे और सभी मरीज घर पर ही हैं और कोई पैनिक जैसी स्थिति नहीं है। नए वेरिएंट को लेकर अभी तक कहा गया है कि इससे बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है लेकिन कुछ राज्यों में हुई मौतों के बाद जाहिर तौर पर डर का माहौल तो है कि ये कहीं कोई बड़ी मुश्किल ना खड़ी कर दे। दुनिया में कोरोना वापसी करना चाहता है। 40 देशों में ये पहले ही नया वेरिएंट फैला चुका है। भारत में भी 2500 से ज्यादा केस हो चुके हैं। सवाल है कि केंद्र और राज्य सरकारों की तैयारी क्या है। सब लोगों को जिला से लेके जिले के अंदर सभी लोगों को, सभी प्रभारी BHM सबको इंस्ट्रक्शन किया गया है और VC के माध्यम से आज सवेर में भी हम लोगों ने सब लोगों को इंस्ट्रक्शन किया है कि RT-PCR का टेस्ट करना है, 100 टेस्ट सब जगह करना है, 100 टेस्ट, और उसको टेस्ट को बाद में बढ़ाना भी, जैसा इंस्ट्रक्शन आएगा बाद में बढ़ेगा भी, और जितने भी प्रोटोकॉल है उससे जो भी SOP है सबको मेंटेन करना है। भारत में 8 दिसंबर को JN.1 वेरिएंट का पहला मामला सामने आया था, तब केरल की 79 साल की महिला से संक्रमित हुई थी जिसके बाद केरल के पड़ोसी राज्य अलर्ट पर हो गए थे। अभी तक भारत में जो कोरोना के एक्टिव केस हैं उनमें 90% से ज्यादा मरीज अपने घर में ही रहकर इलाज करा रहे हैं, यानी उनको अस्पताल में भर्ती कराने की नौबत नहीं आई। WHO ने कहा कि मौजूदा वैक्सीन इस नए वेरिएंट पर कारगर है लेकिन लोग सावधानी जरूर बरतें, भीड़ भाड़ वाले इलाके इस वेरिएंट के फैलने में मदद करेंगे, इसमें कोई शक नहीं। नए JN.1 वेरिएंट के लक्षण भी कोरोना के बाकी वेरिएंट की तरह ही हैं। JN.1 की चपेट में आने पर सांस लेने में परेशानी होती है, हल्का बुखार चढ़ता है, मरीज को तेज खांसी भी हो सकती है, नाक बंद हो सकती है, गले में खराश रहती है, नाक बहती भी है, सिर में दर्द रहता है, पेट खराब भी हो सकता है और मरीज को दस्त भी लग सकते हैं। भारत में आए नए वेरिएंट JN.1 में इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी के लक्षण दिखे हैं। ये लक्षण नए हैं, इनमें बुखार आना, बदन दर्द, खांसी और थकान जैसी बातें शामिल है। बीमार होकर दवा खाने से हमेशा बेहतर होता है कि सख्त अनुशासन में रहकर बीमारी से बचे, इसलिए पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। चंडीगढ़ में लोगों को मास्क लगाने की सलाह दी गई है, साथ ही कहा गया है कि लोग भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें। सरकार का कहना है कि JN.1 वेरिएंट पर रिसर्च जारी है और अभी कोई बड़ी चिंता की बात नहीं है। भारत में JN.1 वेरिएंट वाले केस का कोई समूह नहीं मिला है, यानी बड़ी तादाद में केस नहीं मिले हैं। इस नए वेरिएंट को लेकर सभी मामले हल्के पाए गए और मरीज बिना किसी जटिलता के ठीक हो गए, लेकिन डर तो बना हुआ है। इस वक्त मास्क, साफ सफाई, संक्रमण से वायरस से बचा जा सकता है, यही कोरोना से लड़ाई का सही जरिया है। राजस्थान में भी इस वक्त कोरोना के मरीज हैं जो भरतपुर और झुंझुनू के अस्पताल में भर्ती हैं। राजस्थान अलर्ट पर है,
जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में न्यूज 18 इंडिया की टीम पहुंची तो ज्यादातर लोग बिना मास्क के नजर आए। कुछ लोगों को पता ही नहीं था कि राजस्थान में भी कोरोना फैलना शुरू हो गया है। वहीं जिन लोगों को जानकारी थी वो भी इसे लेकर गंभीर नहीं है। हालांकि कई लोगों ने मास्क पहनकर सावधानी भी रखी। जयपुर के SMS अस्पताल पहुंचा हूं और यहां पर आप देखिए कि मरीज आ रहे हैं जाहिर तौर पर दिखाने के लिए, और यहां पर अब आप देखिए कि मास्क बेचने के लिए भी यहां पर अब मास्क देते हुए नजर आने लगे। इस वक्त कोरोना को लेकर दिसंबर बहुत अहम है। दिसंबर में अगर खुद को बचा लिया तो नए साल में भी सुरक्षित रहेंगे और हम अपने आसपास रहने वालों को भी बीमार नहीं करेंगे। इसलिए वायरस के संक्रमण से बचने के लिए जो भी तरीके हैं उसे अभी से इसी वक्त से अपने ऊपर लागू कर लीजिए। देखिए केरल में कोरोना से एक और मरीज की मौत हो चुकी है और बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 3000 के बेहद करीब पहुंच गई है, जबकि कल तक भारत में 2669 एक्टिव केस थे और बिहार और छत्तीसगढ़ में एक दिन पहले तक कोरोना का एक भी मरीज नहीं था। हालांकि अब उन जगहों पर भी वायरस फैलना बेहद तेजी से शुरू हो चुका है। तो आपको ये बताते हैं कि पिछले 24 घंटे में किस तरीके से लगातार आंकड़ा बढ़ा है। पिछले 24 घंटे में 328 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। मरीजों की तादाद अब 3000 के आंकड़े को छूने ही बस वाली है। किस राज्य में कितने कोरोना के मरीज हैं ये भी हम आपको बताएंगे। देखिए केरल में 2606 और पिछले